दूसरी। चलें जी, क्लास बिस्मिल्लाह रहीम, बोर्ड की तरफ आ जाएं, आप स्टार्ट लेते हैं जी। सम इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट कॉमन टर्म्स यूजिंग इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस। इसमें हमने डेप्रिसिएशन कॉस्ट की बात की थी, और डेप्रिसिएशन कॉस्ट क्या होती है, जब भी हमारे पास कोई भी एसेट अपना टाइम पूरा करता रहता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो अपनी वैल्यू को डिक्रीज करता है, सो उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, और उस पर लगने वाली जो कॉस्ट होती है, जो पैसे होते हैं, उसको डेप्रिसिएशन कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है, सो किसी भी एक एसेट को अगर हम उठा लेते हैं जो टेंजिबल हो, इनटेंजिबल एसेट पे ये चीज़ काम नहीं करती है। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट में क्या क्या आ सकता है, आपका किरदार, इखलाक, ठीक है, आपकी कोई बात, ये चीज़ें कभी भी अपनी वैल्यू को गिराती नहीं है। ठीक है, वो चीज़ें जो फिज़िकल हैं, टेंजिबल हैं, वो एसेट जो वक्ती तौर पे अपनी जो उनकी मार्केट वैल्यू है वो उसको लूज़ करना शुरू करते हैं, और जब हम उसको पता करते हैं कि यार उन्होंने कितनी मार्केट वैल्यू को लूज़ किया है अपने पास, तो वो जो कॉस्ट होती है उसको क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कॉस्ट। ठीक है, सारा का सारा सिनारियो इस एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के अंदर यही लिखा हुआ है, और ये मैंने आपको पहले उर्दू में एक्सप्लेन किया। डेप्रिसिएशन कॉस्ट रेफर टू द एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ टेंजिबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। टेंजिबल एसेट होना चाहिए, इनटेंजिबल एसेट पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। ठीक है, दिस एलोकेशन रिफ्लेक्ट्स द वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर का मतलब है कि आपने उसको कितना यूज़ किया था, कि वेयर एंड टेयर का मतलब होता है चीर फाड़, लेकिन बेसिकली उसका यूज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपने किसी एक टेंजिबल एसेट का कितना वेयर टेयर किया, कितना यूज़ किया। मिसाल के तौर पर मैंने एक लिया था एक बैग अपने लैपटॉप के लिए, ठीक है, और चार साल बाद अब मैंने उसको कितना यूज़ कर लिया है, उस पर क्या डेप्रिसिएशन होती है, ये मुझे मालूम करना है, तो वो मेरा टेंजिबल एसेट है। ये बैग में चाहूँ तो किसी और को बेच सकता हूँ, दे सकता हूँ, ठीक है, फिजिकल चीज़ है। सो ये डेप्रिसिएशन कॉस्ट उसके ऊपर अप्लाई होती है। एक बैग की मिसाल थी, इस तरीके की करोड़ों मिसाल आपके अपने पास, आपके हाथ में, आपके आमने सामने, इर्द गिर्द आपके पास रखी हुई है। ठीक है, और आगे इसका एक फार्मूला भी आपके पास आ जाएगा कि आप उन्हीं चीज़ों पर, कुछ एट्रीब्यूट्स के मालूम होने पर, अपनी डेप्रिसिएशन को ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, वेयर एंड टेयर, ऑब्सोलेसेंस और रिडक्शन इन वैल्यू डेट द एसेट एक्सपेंसेस ओवर अ टाइम। डेप्रिसिएशन इज एन अकाउंटिंग मेथड यूज्ड टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ रादर देन रिकॉग्नाइजिंग द एंटायर कॉस्ट इन द ईयर ऑफ परचेज। इसका मतलब यह है कि आप कोई चीज़ जब भी खरीदते हैं तो उसके ऊपर उसी वक्त, यानी कि उस दिन के बाद से डेप्रिसिएशन कॉस्ट लगना स्टार्ट होती है। जितनी वो ज़्यादा चीज़ यूज़ होगी, जितना टाइम उसको गुजर जाएगा आपके खरीदे हुए, उतनी ही ज़्यादा उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब एक और बात आती है यहाँ पर कि यार आपने उस चीज़ को कितना यूज़ किया। ठीक है, एक तो ये चीज़ थी कि मैंने एक ब्रांड न्यू बाइक ली और चार साल मेरे पास हो गया, उसमें से मैंने सिर्फ एक साल उसको चलाया, बाकी तीन साल वो खड़ी रही। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट यहाँ पर अलग अप्लाई होगी। और एक बंदा, उसने भी मेरे साथ बाइक ली थी और चार साल उसने रगड़ के उसको चलाया, ठीक है, एक दिन भी नहीं बख्शा, तो उसकी जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट होगी वो अलग होगी। ठीक है, तो ये सर्कमस्टांसिस पे वेरी करेगी, जो भी आपकी चीज़ होगी उसके डेटा के मुताबिक। ठीक है, द डेप्रिसिएशन कॉस्ट इज एन एक्सपेंस रिकॉर्डेड ऑन अ कंपनीज इनकम स्टेटमेंट एंड इज डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट वैल्यू ऑन द बैलेंस शीट। अब ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमने बैलेंस शीट की बात की, सो हमें ये पता है कि बैलेंस शीट के अंदर हमारे एसेट्स को भी लगाया जाता है, और जब एसेट्स को लगाया जा रहा है तो एसेट के ऊपर लगने वाली डेप्रिसिएशन कॉस्ट को भी हमने बैलेंस शीट के अंदर एसेट के साथ मेंशन करना होता है। ठीक है, जज़ाकअल्लाह। तो उसकी वजह से हमारे पास की जो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आता है बैलेंस शीट की वजह से, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन मैचिंग द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द एसेट विद द रेवेन्यू इट जनरेट्स ओवर अ टाइम। ठीक है, इसके ज़रिए से हमें यह भी अंदाज़ा होता है कि एक चीज़ हमने या एक एसेट हमने कितने में बाई किया था, और उसके ज़रिए से अभी तक हम कितना उसको यूज़ कर चुके हैं या उससे कितना प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं, ये भी डेप्रिसिएशन कॉस्ट अंदाज़ा करने में जो है वो हेल्प करती है हमें। प्रोवाइडिंग अ मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू एन एसेट ओवर अ टाइम। बेसिकली और कुछ भी नहीं, जो डेप्रिसिएशन है वो किसी एक एसेट के अंदर, टेंजिबल एसेट के अंदर रिडक्शन का नाम है। रिडक्शन क्या होता है, जब हमसे कोई चीज़ ले ली जाती है या काट ली जाती है, वो रिडक्शन या डिडक्शन होती है। ठीक है, तो जब किसी टेंजिबल एसेट में डिडक्शन होती है
वो डेप्रिसिएशन कहलाती है। डिडक्शन, उसके पैसे कम हो जाना, कट जाना। अगर मैं आज से 2 साल पहले आप लोगों को ये मोबाइल बेचता और इसकी कीमत थी 2 साल पहले 20,000 रुपये की, तो क्या आप मुझसे 20,000 में ले लेते इसको? 2 साल पहले 20,000 की ही कीमत थी भाई, तो ले लेते। हाँ, अब अगर मैं आपको 2 साल बाद ये 20,000 का बेचूंगा तो आपके क्या तासुरात होंगे? आप क्या बोलेंगे? ये 20 का थोड़ी है, ये तो मार्केट में 15 का है, ये तो मार्केट में 10 का है, 12 का है, ठीक है। और फिर अपने से भी 2-3 हज़ार कम करके मुझे बताएंगे। वो पाकिस्तानी अंदाज होता है, लेकिन जो एक अप्रोप्रिएट अंदाज होगा, जो अंदाज़ा लगाया जाएगा कि यार इसके डेटा के मुताबिक कि क्या डेप्रिसिएशन कॉस्ट इस पर इतने सालों में बन चुकी है, अब आप उसको माइनस करके जो पैसे बनेंगे आप मुझे उसके वो पे करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है तब जब आप कोई समझ लें कि टेंजिबल चीज़ बाय करते हैं, कोई एसेट बाय करते हैं जो कि किसी के यूज़ में था या फिर आपके अपने यूज़ में है, और आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि कितना इसको यूज़ कर चुका हूँ और कितना मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, सो डेप्रिसिएशन कॉस्ट अप्लाई होगी। अब बात करते हैं जी फार्मूलाज टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन कॉस्ट। कितने फार्मूलाज हैं भाई? पहला स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन के अंदर हमने इसकी एग्जाम्पल भी की थी, एक ही एग्जाम्पल की थी स्ट्रेट लाइन वाली, बाकी एग्जाम्पल्स को ना मैंने एक्सप्लेन किया था और ना ही मैंने बोर्ड पे बताया था, ठीक है। लेकिन वो मौजूद हैं तो हमें करनी थी, लेकिन अलबत्ता हमारे पास इतना वास्ट कोर्स नहीं था फाइनेंस का कि मैं आपको ये चारों एग्जाम्पल्स भी कवर अप करवाता, सो मैंने एक ही करवा के उसी पर इक्तफा किया था, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन का मेथड था जिसके अंदर फार्मूला ये बनता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन इटसेल्फ आपके पास से पैसे जा रहे हैं, तो जो चीज जा रही होगी वो फायदे में या नुकसान में? नुकसान में। तो जो चीज़ नुकसान में उसके साथ हम क्या लगाएंगे, इनकम या एक्सपेंस? तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जो डेप्रिसिएशन हुई उसका एक्सपेंस कितना भाई? इक्वल्स टू, बराबर होता है कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी जितने का एसेट था, एसेट कितने का था? 40,000 का। कॉस्ट ऑफ एसेट जो होती है हमारे पास उसमें से माइनस सेल्वेज वैल्यू, कितने साल हम उसको इस्तेमाल कर चुके हैं, और आगे डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ का क्या मतलब होता है कि उसकी टोटल लाइफ कितनी है। कंपनी क्या क्लेम करती है कि ये फलां 40,000 का मोबाइल आप कितने साल तक चला सकते हो? 10 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल। तो आप जितना भी टाइम पीरियड लगता है, जितनी कॉस्ट लगती है, जितना सेल्वेज टाइम लगता है, जबकि सारी चीज़ें आपके पास होती हैं, तो आप क्या निकाल लोगे वहाँ से? अपनी डेप्रिसिएशन कॉस्ट को निकाल लोगे। फार्मूला आपके सामने, जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर वाली बात, और मामला खत्म, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल टू यूजफुल लाइफ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सेल्वेज वैल्यू, ठीक है। ये भी वही फार्मूला है, इसको जरा सा पकड़ के उल्टा कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड आता है यहाँ पे, डिक्लाइनिंग बैलेंस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये दूसरा मेथड है, अगेन मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, हमें एक मेथड का कहा गया, हमने वो कर दिया था। तीसरा मेथड आता है जो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन। चौथा आता है जी सम ऑफ एयर्स डिजिट डेप्रिसिएशन। अब ये जो तीन अगले मेथड हैं ये कैटेगरी वाइज वेरी करते हैं। पहला जो मेथड था वो पहला मेथड जर्नली था, आप हर एक चीज़ पे वो मेथड अप्लाई करके उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट को मालूम कर सकते थे। लेकिन उसके बाद के जो नेक्स्ट 2-3 मेथड हमने यहाँ पे भी पढ़े हैं, सिर्फ जिनके नाम हमने पढ़े हैं, वो मेथड स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस पे लिखते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक चीज़, मिसाल के तौर पर कोई ऐसा एसिड जिसमें नॉर्मली ना हमारे पास सेल्वेज वैल्यू का पता है ना यूजफुल लाइफ का पता है, तो वहाँ पे ये तीन फार्मूलाज में से कोई एक फार्मूला फिट होगा और उसके मुताबिक उसकी डेप्रिसिएशन निकल करके आएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि फ्लो का क्या मतलब होता है? बहना, आमतौर पर बह रहे हैं भाई फ्लो। कैश फ्लो, पैसे का बहाव। और अब इसी चीज़ को अगर आप किसी एक कागज़ पे मुंजमित कर देते हैं, कागज़ पे जामिया सिचुएशन में बना के रख देते हैं किसी के सामने, सो वो क्या कहलाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिल्कुल आम अल्फाज के अंदर, ठीक है। अब इसको अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो ये यहाँ पे क्या वाजे करेगा हमें जी? कैश फ्लो स्टेटमेंट ट्रैक द मोमेंट ऑफ मनी इन एंड आउट ऑफ अ बिजनेस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास किसी भी एक बिजनेस के अंदर एक सर्टेन टाइम के, जी पहले बताओ ना शहजाद, मैं तो खुश हो रहा था, मैंने कहा लगी हुई आज लगानी नहीं पड़ेंगी। किसने भाई? BMJ का रिमोट चोरी हो चुका है, एक रिमोट ऐसा वाला। आखिरी आखिरी वक्त है तो बच्चे फायदा उठा रहे हैं,
आप लोग का नहीं कह रहा, बच्चों का कह रहा हूँ, ये हो ही नहीं रहा यार। सर बिलाज जिसको आपकी याद लगेगी। अच्छा इससे भी नहीं हो रहा। मोए मोए हो गया, देख लिया मैं। ते हैं और बात हो रही कैश फ्लो स्टेटमेंट की। सो किसी भी एक बिजनेस में कितना पैसा आएगा कितना पैसा जाएगा, आप इसको अगर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जितनी भी हो रही है आपके पास उसको सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करके किसी भी एक पेपर पे उसको जनरेट करके प्रिंट आउट की फॉर्म में अगर किसी को पेश करते हैं तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, इन जनरल टर्म्स, बिल्कुल आसान भाषा के अंदर। दे आर डिवाइडेड इंटू थ्री सेक्शंस, ये नॉर्मली थ्री सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से सेक्शन है जी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब कि कितना पैसा आपका बिजनेस चलाने के लिए वहां पर लग रहा है, मतलब इन्वेंट्री खत्म है वो लेके आए, ठीक है, बल्ब खराब हो गया वो डलवाया, मेंटेनेंस के काम, ठीक है, और बाकी चीज़ें कर दी, ठीक है, मतलब पेमेंट्स कर दी, बिल भर दिए, सैलरीज दे दी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं ये। इसके बगैर कंपनी नहीं चलेगी। आप इसमें से कोई एक भी चीज़ छोड़ देते हैं, कोई बल्ब चेंज नहीं करवाते, पंखा जला का जला रहने देते हैं, या सैलरी किसी को नहीं पे करते हैं, या बिजली का बिल नहीं भरते हैं, क्या ख्याल है कंपनी चल जाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है ना, लाजमी देने हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से मुराद ये थी। अगली क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में यार अब मुझे अपने बिजनेस में और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या क्या चीज़ें मुझे, क्या क्या किन किन एट्रीब्यूट्स में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हासिल हो वहाँ से, ये अगली टर्म आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की। ठीक है, उसके बाद थर्ड एक और हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन, वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंस का यही मतलब है बेसिकली कि पैसे को कब कहाँ और कितना इस्तेमाल किया जाए, पैसे का सही इस्तेमाल, इज़ कॉल्ड फाइनेंस। तो जो भी पैसे के इस्तेमाल वाले मामलात हैं उनमें देख रेख सारी की सारी वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आती है। ठीक है, सो ये तीनों एक्टिविटीज़ बेसिकली तो पैसे की हैं लेकिन टर्म्स में अलग अलग यूज़ की जाती हैं। सो इन तीनों को अगर आप एक ही पेपर के ऊपर सेक्शन वाइज बना के लिख देते हैं जिसमें पैसे का आना भी और पैसे का जाना भी शामिल होता है, तो जनाबे वाला दिस इज़ योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा जी आगे कोई बात कर रहा है, मुझे डिस्टर्बेंस महसूस हो रही है। थोड़ा सा वॉल्यूम स्लो, थैंक यू। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड डे टू डे ट्रांजैक्शन, ठीक है, डे टू डे के मतलब से मुराद जो भी मामलात हो रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ रहे हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप जो सरमायाकारी करते हैं अपने बिजनेस पे, अब कैसे बिजनेस को ग्रो करना है, पैसे लगा रहे हैं और फिर ग्रो होगा, तो सरमायाकारी आपके कौन से उसके अंदर आती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। उसके बाद एंड इन्वेस्टमेंट्स, वाइल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ डील विद द डेप्थ एंड इक्विटी, ये इसके साथ डील करती है। दिस स्टेटमेंट हेल्प्स असेस अ कंपनीज लिक्विडिटी, फाइनेंशियल हेल्थ एंड एबिलिटी टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन। गाइस लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? मैंने बहुत पहले बताया था, लिक्विडिटी पानी पानी, फिर लिक्विडिटी ओके ओके, आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से बताओ, 30 सेकंड्स हैं आपके पास, मैं रिकॉर्डिंग को पॉज। उसके बाद जी हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग, तीन थे, तीनों को मिलाया क्या बन जाएगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बनेगा आयशा? क्या बनेगा, क्या बनेगा अक्सर, क्या बनेगा जैनब, क्या बनेगा? आप तो नहीं थी ना, आप बैठी रहो। अच्छा चलो एक ओके नेक्स्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। भाई किसी एक कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसी कैसी हो सकती हैं? कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, डिनोट कर रहे हैं एक्स के साथ, कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डिनोट कर रहे हैं वाई से, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जेड, जिसको जेड कहेंगे जिसका मुखफ्फिफ होगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये एक फार्मूला है कि अगर x को माइनस कर दिया जाए y वाली वैल्यू के साथ तो जो अगली वैल्यू जनरेट होकर आएगी वो क्या होगी? z की। तो ये जनाबे वाला एक सिंपल सा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो स्टेटमेंट का मेथड था।
नीचे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात की जा रही है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या है? कैश पेड फॉर दी परचेज ऑफ, जज्बाती हो गया हूँ बाकी क्या, मैंने क्या बोला था, क्या बोला था? हाँ बिल्कुल, ऐसे कौन बोलता है वैसे? भाई हंसो नहीं यार, हंसो नहीं प्लीज। मैंने माना मैं हंसाता हूँ, लेकिन फिर भी इतना नहीं हंसो। आप जब मैं जज्बात में आ जाता हूँ तो इस तरह छोटे छोटे अल्फाज आगे पीछे होते रहते हैं, उसको दिल पे नहीं लेना। अच्छा जी, कैश अब सही है ना? ओके, कैश पेड फॉर दी परचेज ऑफ इक्विपमेंट, जिसको डिनोट कर रहे हैं ए से। कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिनोट कर रहे हैं बी से। और नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जिसको सी कहेंगे, जिसमें जिसका मुखफ्फिफ बनेगा यानी फार्मूला बनेगा ए माइनस बी। तो जो एक नई वैल्यू सामने आएगी निकल करके, वो होगी हमारी सी और वो होगी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बेसिकली ये दो काम करके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकाली जाती हैं। ऊपर वाले दो काम करके क्या क्या निकाला जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है थ्री, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश रिसीव फ्रॉम इशूइंग न्यू स्टॉक लेने के लिए कैश इशू किया था हमने, जितना भी था, ठीक है, उसको डी से डिनोट कर रहे हैं। कैश पेड फॉर डिविडेंड्स, जिसको डिनोट किया जा रहा है ई से। और नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए नेट कैश बनेगा, वो डी माइनस ई होगा, और वो क्या बन के आएगा? एफ। ठीक है, सो ये जनरल मिसालें थी, एग्जाम्पल्स थी, जिनके थ्रू आप एक अच्छा सा कैश फ्लो स्टेटमेंट खुद से तैयार करेंगे। ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेडिंग होगी, पहली एक्टिविटी कौन सी होगी, दूसरी कौन सी होगी, तीसरी कौन सी होगी, और तीनों के अंदर क्या क्या फार्मूलाज हैं, यहाँ से देख लिए ना, बस वो पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली बात। आपका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश फ्लो के ऊपर बन के तैयार होकर आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेट चेंज इन कैश, ये एक और इसका फैक्टर इन होता है, लेकिन ये डालें ना डालें ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इसमें तीनों को मर्ज किया जाता है, जेड प्लस सी प्लस एफ। ओके सर,